गुरुग्राम कोर कमेटी की बैठक हुई समाप्त। बैठक में सभी लोकसभा सीटों पर विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। जनता के बीच जाकर टीम देगी विकास कार्यों की जानकारी। सभी लोकसभा में कार्यकर्ता करेंगे बूथ लेवल पर जाकर काम। संगठन को किया जाएगा मजबूत। हरियाणा में टारगेट 65 सीटों पर जीत के लिए सभी विधानसभा पर मंथन। 70 सालों में जो विकास कार्य नहीं हुए वो 4 साल में हुए। हरियाणा की सभी लोकसभा में हुए कार्यों की लिस्ट हुई तैयार। सभी पार्टी कार्यकर्ता और मंत्रियों की प्रचार के लिए लगाएगी ड्यूटी। हरियाणा की सभी लोकसभा में हुए कार्यों की लिस्ट हुई तैयार। सभी पार्टी कार्यकर्ता और मंत्रियों की प्रचार के लिए लगाई गई ड्यूटी। भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा प्रदेश की लोकसभा चुनाव को देख रेख एक कर कमेटी बनी हुई है, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उसके सदस्य हैं। ऐसे हमारे 18 लोगों की सदस्य समिति बनी और सब के सब सदस्य मौजूद रहे। तीनों केंद्रीय मंत्री, हमारे प्रदेश के 4 मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री और अन्य हमारे महामंत्री और 2-3 कार्यकर्ता और सब लोग इस बैठक में उपस्थित रहे। ये किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, हम 10 की 10 लोकसभा कैसे जीत सकते हैं, इसकी हमने रणनीति तैयार की है। और हमारे सब नेताओं में इस बात का अति उत्साह था कि हम किस प्रकार से 10 की 10 लोकसभा जीत सकते हैं, उसका हम लोगों ने खाका तैयार किया है। और ऐसे ही आगे आने वाले समय में हम इस विधानसभा के चुनाव जब अगर लोकसभा के तुरंत बाद होते हैं तो उसमें हमारी क्या स्थिति होने वाली है, उस चीज़ को हमने तैयारी की है। 90 में से हम 66 से 70 तक सीट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी भी हमने आज चर्चा की है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रथम तहलका।